वो तो हमको बहुत आदमी बोला कि बहुत ये सब बिजनेस आपका चलने वाला नहीं है, पड़ा हो कोई दिक्कत नहीं, चलने वाला नहीं तो क्या हुआ, लेकिन हम चला 3 महीने के अंदर इसका सूल भी अगर खत्म हो जाएगा। पहले पहले तो दिक्कत हुआ था, इन्वेस्टमेंट लगभग 82,000 इन्वेस्टमेंट मशीन में ऑनली, इसमें लगभग कॉस्टिंग कितना आ जाता है आपके? अभी हम जिस प्लांट पे हैं, यानी कि एक छोटा ही प्लांट है और ये गांव से ही अपना प्लांट स्टार्ट किए हैं, ये फूडवेयर का यानी कि काम स्टार्ट किए हैं। तो फूडवेयर में बहुत सारे ऐसे आप लोगों को वीडियो यूट्यूब में मिल जाएगा कि लगाइए 5,000 और कमाइए जो है महीना का 1,50,000 60,000। तो ये जो है ना, आप भी सोच सकते हैं कि ये रियलिटी नहीं है, ठीक है। तो आज वही हकीकत जानेंगे कि एक फूडवेयर यानी कि जो स्लीपर मैकिंग मशीन है वो लगा के आप कितना क्या कर सकते हैं और कितना कमा सकते हैं। जैसे एक मशीन भी लिए हैं फूडवेयर का, स्लीपर मैकिंग मशीन, और उसका बिजनेस नहीं चला पाते हैं, कुछ दिन के बाद बंद हो जाते हैं। लेकिन ये साजिकुल भाई से बात जैसे किए तो कुछ लगा कि नहीं, हम कुछ अलग करेंगे और मार्केट में जमने के लिए जो है ना कुछ करना पड़ता है, तो वही इसका माइंडसेट लेके चल रहे हैं। अभी बहुत सारा आपको सैंपल के तौर पर चप्पल देखने के लिए मिलेगा, यानी कि छोटे से लेकर बड़े तक आप देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ देख सकते हैं ये लेडीज़ का चप्पल है और ये भी जो है एक नंबर क्वालिटी है आपका, ठीक है। अभी जो है ब्रांड कैसे बनता है, जब आप क्वालिटी पे काम करते हैं, ठीक है, अपने सामान पे काम करते हैं तभी आपका जो है ब्रांड बनता है। और ये मार्केट में जैसे जाएगा तो लोगों के फीडबैक से ही ब्रांड बनता है। सबसे पहले आप जो है हमारे व्यूअर्स को ये बताइए कि आप इस प्लान के बारे में आपके माइंड में आइडिया कैसा आया? आप तो जैसे कि बहुत सारा काम करते हैं, आपका दुकान भी है, तो इसके बारे में कैसे प्लान बनाए कि नहीं हमको स्लीपर मैकिंग यानी कि फूडवेयर का मशीन लेकर आना है और अपने से जो है बनाना है और इसको सेल करना है, ये आइडिया कहाँ से आया आपको? ये जो है हम नीचे मेरा एक दुकान है, 7 साल से हम दुकानदारी कर रहे हैं, तो यूट्यूब में भी देखे थे और मेरा दुकान अच्छा चल रहा है। हमारे साथ और कोई एक पार्टनर भी है, तो पार्टनर लोग आगे बोला है कि ऐसे ऐसे काम करने से बहुत अच्छा खासा काम बिजनेस हम लोग को चलेगा और उसमें कमाई भी होगा। तो मेरे पास कुछ पूंजी था, लोग बोला कि ठीक है लगा दो, तो हम तो मन ही मन सोचे कि बहुत आदमी खोला और निकल भी गया, लोग को चला नहीं था, हम लोग को चलेगा कि नहीं चलेगा, क्या होगा नहीं होगा, तो फिर मन में थोड़ा सा डाउट हुआ। फिर वो लोग आगे बोला, तब फिर सोच के देखे चलो ठीक है खोल लेते हैं। तो फिर जो है 6 महीने पहले मशीन लेकर आए, इसके बीच में बहुत आदमी बोला कि आप लोग को ये बिजनेस चलेगा नहीं, तो सबको डूब गया, आप लोगों को डूब गया, लेकिन हम ये सोचते हैं कि हम कुछ अलग करें। ये चप्पल हो गया, ये हम वहाँ से लेके आएंगे हम 110 टका में होलसेलिंग से, ठीक है, तो इसको हम बेचेंगे कितना में, 130 टका 40 टका में, बिल्कुल। और यहाँ पे मेरा यहाँ बनते हो जाता तैयारी 85 टका में, ये हो गया। हम कस्टमर को 100 टका में देंगे, दुकानदार कोई भी लेगा तो उसको 90 टका 85 टका में दे देंगे पहले पहले हम, क्या मेरा दुकानदारी बंद हो जाएगा? बिल्कुल, जबकि वहाँ से 105 टका 10 टका में मिलेगा, तो अब यहाँ पर हम 100 टका में देंगे कस्टमर को और दुकानदार को देंगे 90 टका में, क्या मेरा चलेगा नहीं है? अब ब्रांडेड है, इसका शूल भी अगर खत्म हो जाता है, शूल इसका 3 महीने के अंदर इसका शूल भी अगर खत्म हो जाएगा हम उसको चेंज करके देंगे, गारंटी के साथ देंगे। और जो होलसेल में चप्पल लेके आते हैं उसका गारंटी हमें दे दे तो बोलिएगा आप हमको, तो वो तो ब्रांड है इसलिए वो गारंटी नहीं देता है, ठीक है, वो ब्रांड से ही का नहीं देता है, तो क्या हम लोकल का हम कैसे दे रहे हैं? क्या हम यूज कर चुके हैं, हम यूज कर रहे हैं इसीलिए हम दे रहे हैं। अच्छा, तो आपका इंस्पिरेशन आने के आप जो इस मशीन को खरीदे तो यूट्यूब में देख के पहले देखे थे हम, अच्छा, कि कुछ पूंजी लगाओ 10x10 कमरा में वो मशीन बैठा लो, अच्छा, तो आपका अच्छा खासा कमा हो जाएगा, अच्छा। लेकिन हम लाने के बाद देखे कि 10x10 कमरा में काम मेरा नहीं होने वाला है, तब जाइए हमको फिर बाद में ये कमरा भी देख सकते हैं। अच्छा, ये कमरा तो बड़ा लग रहा है, 10x10 का नहीं है, इधर आ जाइए सादिकुल भाई, आ जाइए मशीन में देखते हैं, आपसे थोड़ा सा बात भी करेंगे। हाँ, यहाँ पे मशीन देख सकते हैं, ये सिंगल डाई का मशीन है क्या सादिकुल भाई? हाँ जी, ये सिंगल डाई का मशीन है। कटिंग वगैरह, अच्छा ये सोल वगैरह सब कहाँ से मंगवाते हैं आपके पास? बहुत सारा कलकत्ता और दिल्ली से मंगवाते हैं ना? अच्छा, ये दिल्ली का माल हो गया, वो कलकत्ता का माल हो गया, ये दिल्ली का माल है जी। अच्छा, तो इसमें जैसे कि इसके लिए लेडीज़ के लिए और जेंट्स के लिए अलग अलग सोल आता है कि जी? नहीं, अलग अलग आता है सोल, अलग आता है, अलग आता है। अच्छा, और ये हो गया कलकत्ता का माल ना? अच्छा, ये हो गया कलकत्ता का माल। यहाँ देख सकते हैं चप्पल, चप्पल भी बना हुआ है और सोल का क्वालिटी भी थोड़ा सा ठीक लग रहा है, क्योंकि जो है लेडीज का बन रहा है, कांटा वाला है। अच्छा,
इसमें हम जेंट्स का भी बना सकते हैं, क्या है कि ये लेडीज और जेंट्स कांटा वाला का दोनों सेम बने, दिल्ली का जो माल हो गया। इसका जो हम चप्पल बनाएंगे ये सैंपल के साथ में आया था, इसको छू के देख लीजिए, इसको उठाइए, एक हाथ उठ गया और इसको इसको उठाइए, ये दिल्ली वाला है ना, इसको उठाइए, वजन में देखिए कितना फर्क है। हाँ, वजन में तो फर्क है। इसका जैसे एक महीना होगा इसका सोल जो है खत्म हो जाएगा। अच्छा, इसका कभी खत्म नहीं होगा। ये सस्ता मेरा पड़ गया। इसको हम बना के देंगे अभी गांव घर में, तो यहाँ तो कोई देहाती लोग आएगा नहीं, गांव का ही लोग आएगा। एक बार जो पहनेगा खत्म हो जाएगा दोबारा मेरे पास आएगा नहीं आएगा? नहीं आएगा। तो ये 30-40 बेचने से फायदा ये है कि इसको बेचने से अच्छा है। अरे ग्राहक को दुकानदार नहीं बुलाता है, ग्राहक ग्राहक ही लेके आता है। और आप इसमें इस लाइन में बहुत दिन से हैं, 6-7 से हैं, तो आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी है। तो अगर हम कहें कि 40-50 रुपये में जो चप्पल स्लीपर बन जाता है, तो ये सही में बनता है कि ऐसे? बनता तो है सही में। बनता है, बनता है, लेकिन उसके लिए जो बोले ना आपको, उसका कोई गारंटी नहीं है। अच्छा, एक महीना 1.5 महीने में खत्म हो जाएगा। कितना का माल है इसमें, कितना पैसा निकलेगा ये? इसमें तो आप ही बता पाएंगे कितना पीस निकलेगा। अभी यहाँ देख रहे हैं कि 2 पीस है, 2 जोड़ी निकला हुआ है। 6 जोड़ी निकलेगा इसमें से, 6 जोड़ी छः जोड़ी निकलेगा। ठीक है, तो इसका जो है मजबूती बहुत अच्छा है, इसलिए इसको 6 जोड़ी निकालने के बाद हम 100 रुपये बजे 10 टका मेरा कमाया है, तो 10-10 टका कमाएंगा। इसका जो है इसका दाम और इसका दाम बहुत फर्क है, दोनों का दाम सेम है लेकिन देखो कितना बड़ा है कितना छोटा है। अच्छा, यानी कि ये पूरा सीट का जितना कीमत है और इसका ये छोटा सीट का उतना ही कीमत है। अच्छा, लेकिन इसका क्वालिटी मजबूत है, क्वालिटी अच्छा है, इसमें ज़्यादा निकलेगा कम मेरा पड़ेगा, 50-60 पड़ेगा। बात सही है। आप लोग को दिखाना चाहेंगे सादिक उल भाई के साथ कि ये मशीन है। ठीक है, एक मशीन ये हो गया सोल कटिंग वाला मशीन। अच्छा, दूसरा मशीन कौन है? फीता लगाने वाला। चप्पल कटिंग हो जाता है। ठीक, उसके बाद वहाँ जाता है ग्राइंडर। अच्छा, ग्राइंडर में वहाँ जाके फिनिशिंग होता है। जी, वहाँ पे ग्राइंडर पहले फिनिशिंग हो जाता है, छेदा वगैरह हो जाता है। अच्छा, वो ग्राइंडर है, वहाँ फिनिशिंग हो जाता है, इसके बाद यहाँ आके फीता लगता है। इन्वेस्टमेंट आपका कितना आया लगभग अभी तक? तो इसमें फिलहाल 1.5 लाख ही लगाए हैं। मशीन में लगभग कितना इन्वेस्टमेंट आया? ओनली वन मशीन में, जैसे कि एक मशीन सोल कटिंग हो गया, इसके बाद फिनिशिंग हो गया, इसके बाद फीता लगाने वाला मशीन हो गया, तो इसमें लगभग इन्वेस्टमेंट लगभग आपका कितना आया? 82,000। 82,000 इन्वेस्टमेंट मशीन में ओनली लगा। अच्छा, ये मशीन आप जो है कहाँ से मंगवाए थे? यानी कि दिल्ली से मंगवाए थे, और यूट्यूब में ही देख के जो है आप वहाँ गए, इसके बाद फिर मशीन लेके आए। मशीन लेके आए। अच्छा, इसमें आपको लगा कि जो यूट्यूब में दिखाता है वो रियलिटी क्या है, उसका सच्चाई कहाँ तक है? नहीं, सच्चाई तो मतलब उतना नहीं है, 60% सच्चाई होगा तो 40% कम से कम उसमें फेक बोल रहा है। अच्छा, यानी कि 60% आप भरोसा कर सकते हैं 100 में। ठीक है, 40% आपको बढ़ा चढ़ा के बोला जाएगा। सीट के बारे में भी कुछ ऐसा लगा? सीट ही, हम जैसे वहाँ पे गए सीट लाने के लिए, वहाँ बहुत बड़ा होलसेलिंग है, तो वहाँ पे हम फलना फलना सीट लिखा दिए, बाधा लिखा दिए, अब हम जो नंबर लिखाए हैं वो हमको दे नहीं रहा है, दूसरा वाला घुसा दिया अपने, वो हम खुद अगर नहीं देखेंगे तो वही माल लेके आना पड़ेगा हमको। तो क्या ये फेक नहीं है? बिल्कुल फेक है। तो आप जो है जैसे कि फ़ोन करके उसको ऑर्डर देते हैं, तो ऑर्डर देते हैं, बोलते हैं हाँ ठीक है फलना फलना मिल जाएगा, लेकिन जब वहाँ पैकिंग करता है उसका स्टाफ साहब, जो हम नंबर लिखाए हैं वो हमको दिया नहीं है, अभी तक नहीं मिला। पहले तो दिक्कत हुआ था? जी, दिक्कत तो हुआ था, पहले बहुत, तो पहले जो है आपको सीट के बारे में उतना नॉलेज नहीं था, नॉलेज नहीं था, जिसको भी दिए हम ये सब सीट, एक महीना खत्म हो गया, बोला भैया देखो ये आपका चप्पल चलने वाला नहीं है, सीट से खत्म हो गया। हाँ। तो फिर उसके लिए अलग दिमाग लगाए कि नहीं फलना जगह से माल नहीं मंगाना होगा, फलना जगह जाओ वहाँ पर माल अच्छा मिलेगा वहाँ से लेके आओ। तब जो एक कंपनी मिला था हमको, सिटीजन कंपनी, इसका हम लेके आए सीट, तो इसका सीट देखे सोल बहुत अच्छा खासा चल रहा है, बाधा भी नहीं टूट रहा है, क्या कि इसको हम एक होलसेल में पहले गए कटिहार में, वहाँ पे हमको बोला देख सदगुरु भाई आप जो काम कर रहे हैं हमारे पास बहुत सारा स्टाफ है, हम चाहे तो कर सकते लेकिन नहीं कर रहे, किस लिए? इसका कुछ कमी है, हम लोग कमी क्या है बताओ? बोला जो आप चप्पल बनाते हैं आपका जो वजनदार आदमी है उसको पहले पहना के पहले देखिए, तब उसका चप्पल का औकात समझ में आ जाएगा। हम बहुत दूर से दिमाग लगाए, एक वो सीट काटे, जो मेरा कारीगर है उसको पहले पहनाए, 3-4 महीने तक अभी तक पहन रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आज जो उस सैंपल के साथ में आया था 1-1.5 महीने उसका सेट खत्म हो जाता है। तो आपको लगा कि नहीं मेरा भी बिजनेस लगभग फेलियर की ओर जा रहा है? जी जी, तब हम वहाँ से कलकत्ता से माल मंगवाए, तब फिर अभी देख रहे अब कोई दिक्कत नहीं आ रहा, अभी दिक्कत नहीं। अब जो भी लेकर जा रहा था हम किसको बोला, ग्राहक ही लेकर आ रहे हैं, वहाँ पर सस्ता चप्पल मिल रहा, चलिए हमें ले लेंगे। हाँ, क्वालिटी में दम होगा, और थोड़ा सा अगर आप चीप रेट में देते हैं तो कस्टमर को लेकर आएगा। ठीक है, और आप जो है होलसेलिंग वगैरह भी करते हैं ना? हाँ, होलसेलिंग से भी आता है फोन, तो अभी दुकानदार को दे रहे हैं, दुकानदार को दे रहे हैं। लेडीज से लेके बच्चा से लेके बड़ा आदमी तक सबका बन रहा है, सबका 105 टका 10 टका मिलेगा ये वाला। और हम यहाँ क्वालिटी भी अच्छा है, और ये हम यहाँ ग्राहक को दे रहे हैं 100 रुपया में, तो दुकानदार को कितना देंगे हम?
90-85 टका में हम उसको दे देंगे। अच्छा, आपसे ये चप्पल कहीं भी जाकर बेचिएगा 120 टका आराम से। चप्पल इसमें क्वालिटी में भी आप काम किए हैं, सोल में भी काम किए हैं, फीता में भी काम किए हैं, तो इसमें लगभग कॉस्टिंग कितना आ जाता है आपका एक एवरेज? वही 80-85 पड़ जाएगा आपका। 80-85 पड़ जाएगा जी। अगर आप बढ़िया क्वालिटी का चप्पल लेते हैं, ठीक है, और जो सीट लेते हैं और उसको बनाते हैं, गारंटी के साथ देंगे। अच्छा, कितना गारंटी देंगे, कितना महीना? क्या इसका 3 महीने के अंदर इसका सोल अगर ख़त्म कर देगा ये, उसको फिर दूसरा चप्पल देंगे। अच्छा, ये गारंटी के साथ दे रहे हैं। लर्निंग फेज से गुजरना पड़ा। पहले पहले जैसे सोल के बारे में आइडिया नहीं था, 1 महीने में चप्पल घिस गया, इसके बाद फिर सोल पर काम किए, ठीक है, इसके बाद जो है चप्पल पर देखा कि नहीं किस तरह का चप्पल जो है। दिल्ली का माल है, एक भी यहाँ पर चलने वाला नहीं है, कोई लेगा जिसको भी दिखाने को ये चलने वाला नहीं है ना, ना ही कोई कलर है, ना ही कोई डिजाइन, नहीं कुछ है। अच्छा, अच्छा, यहाँ से देखिए, ये जो हम बाजार मंगवाए हैं कलकत्ता से, इसका देखिए, इसका कॉस्टिंग कुछ ज़्यादा पड़ा है लेकिन माल अच्छा बढ़िया है। ये थोड़ा सा शाइनिंग है, माल थोड़ा सा देखने में भी ठीक लग रहा है। ये सब इसमें और इसमें बहुत आपको डिफरेंस, इसमें देख लीजिए और इसमें देख लीजिए, क्वालिटी में बहुत अंतर है। जब तक आप जो है ना इसमें नहीं आइएगा, इसका देखिए, ये जो है मुलायम नहीं है, बिल्कुल मुलायम, ये देख बिल्कुल मुलायम है, ये थोड़ा सा हार्ड है, हार्ड है। और इसमें हमको लगता है रेट में भी कुछ डिफरेंस है, बहुत है, ये सस्ता माल है, सस्ता माल है, लेके जाएगा बोलो बहुत टाइट है, चलने वाला नहीं है, सब चप्पल नहीं चलेगा, इसको जिसको भी दिए हैं चले, ये देखो दिल्ली का माल है, ये सब माल नहीं चलने वाला, वैसे फक पड़ा हुआ है। अच्छा, इसने लॉस जा रहा है, जाना तो कोई आदमी कहा होता क्या बोला है, ऊपर उठने के लिए झुकना पड़ता है। अभी जो आदमी जो बोलता है बोले तो बहुत हमको बहुत आदमी बोला कि बोलते ये सब बिजनेस आपका चलने वाला नहीं है, पड़ा हो कोई दिक्कत नहीं, चलने वाला नहीं तो क्या हुआ, लेकिन हम चला के दिखाएंगे। बहुत सारे ऐसे हमारे व्यूअर्स हैं, वो भी फुटवेयर का ये खोलना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन वो सोचते बहुत हैं, आप तो सोचे कम और काम ज़्यादा किए, ठीक है, उन लोग के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? हम तो यही कहना चाहेंगे कि अगर सिर्फ फुटवेयर का अगर बिजनेस खोलना चाहे वो, खास कर हमारे बिहार में, तो वो हमारे ख्याल से नहीं कर पाएगा वो। रीज़न ये है कि होलसेलिंग जो है, होलसेलिंग को पकड़ने में बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा, तो 1-2 साल लग जाएगा, और सिर्फ 2 साल जब वो पकड़ने में लग जाएगा तो उसका 2 साल तक क्या खाएगा, क्या करेगा वो। बिल्कुल बात सही है, क्योंकि सबसे पहले अगर आप खोलेंगे ना तो आपको आइडिया नहीं होगा कि किस तरह का जो है मेरा जो है। आज 7 साल से चप्पल हम बेच रहे हैं, नीचे एक दुकान है उसमें से बेच रहे हैं, फिर भी मेरे को आइडिया होते हुए भी हमको सोल वहाँ पे कमजोर मिल गया, वो तो चलेगा नहीं, चलेगा नहीं, अब जो पड़ा हुआ लॉस लगा। अब इतना 6 महीने से हम दुकानदारी कर रहे हैं चप्पल का, होलसेल कर रहे हैं, अभी भी हमको डाई पूरा नहीं मिला। अच्छा, ये देखो डाई इतना सारा रखा हुआ है, यहाँ देख सकते हैं डाई अभी रखा हुआ है, लेकिन पूरा डाई नहीं मिला, अभी तक नहीं मिला। अच्छा, अभी जो है डाई में लगभग कितना नंबर से कितना नंबर तक मिला है? 10 से लेके बच्चे का तक, मतलब 6 से लेके 10 नंबर बड़े आदमी का तक। अच्छा, सब इसमें है, फिर भी इसमें 11 नंबर और 9 नंबर नहीं है। अच्छा, बच्चे का, छोटा साइज का। अच्छा, छोटा साइज, छोटा साइज का नहीं है। अच्छा, ये तो एक तो ये हो गई। अच्छा, जो कि मैं 6 महीने से कर रहा हूँ, फिर भी अभी तक हमको ये नहीं मिला। अच्छा, और दूसरी बात, ये जो बाजार साइज का मंगाए हैं, देख रहे हैं पूरा जो पड़ा हुआ है यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ देखिए ऊपर मेरे को रखा हुआ है, अभी इसमें से इतना सारा हम खोज सकते हैं, 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर तक अभी तक एक भी बाधा इसमें नहीं है, जो कि मेरे 7 साल से करने के बाद भी हमको जानकारी रहते हुए भी माल के लिए भेजे हम स्टाफ को, वहाँ गया लिखवा दिए हैं, लेकिन वहाँ पे माल नहीं दिया, फिर दोबारा भेजेंगे, फिर दिया, फिर वो वाला माल नहीं आया, तो इसी कारण जो नया नया पकड़ेगा वो उसको तो समझ में आएगा ही नहीं, आएगा नहीं, थोड़ा सा एक्सपीरियंस करने में उसको 1-2 साल लग जाएगा, दो साल वो कर नहीं पा, टिक नहीं पाएगा। चलो मैं बहुत सारा मशीन आया और 6 महीने चलाया, 1 साल चलाया, बोला हम बिजनेस नहीं चला, बंद कर दिया, ये हम भी बंद किया, हम भी उसको होलसेलिंग नहीं पकड़ पाया। होलसेलिंग में माल देने के लिए पहले उसको ज़्यादातर माल बनाना होगा, उसको होल्स में देना होगा पहले, कैसे टिकेगा नहीं टिकेगा उसके बाद, और वो जो है गांव देहात में कमाता है, खेती बाड़ी काम करता है, होल्स में बिकता ही नहीं है, क्या करे बेचारा, बंद करे उसको, चलो खेती को बात बोलेंगे, जो YouTube में बोल रहा है इसके लिए उसके बात पे विश्वास मत कीजिएगा कभी भी। आज देखो हम कितना सारा पूंजी लगाया है, बिल्कुल बात सही, आप देख सकते हैं 10x10 का कमरा का बात बोला था, घर के लिए ही ये पर्सनल रूम बनाया, बनाना पड़ा इसको। अगर वीडियो के बात सुनते हैं हम 10x10 का कमरा में एगो ले जाओ, मशीन बैठा दो, फलना चलना कर गया, हो जाएगा इतना सारा, कैसे हटेगा उसमें, कौन काम करेगा इसमें, वो कर सकता है, करने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वीडियो के बात में आप मत पड़िए कि
कि यूट्यूब में हमको फलना फलना बताया इतना इतना होगा, 30% तरह से चप्पल बनता है। अरे 30% तरह से चप्पल बनता तो है सही, लेकिन 20 में भी नहीं बिकेगा, नहीं बिकेगा। अभी देखो ना, इसको हम बोले 40% में चप्पल दे रहे, 40% में ओनली वन, कल बोलेगा 30% में ले जाएगा मेरा ये हो जाएगा, लेकिन नहीं लिया ये 40 का चप्पल देने के लिए। अच्छा, ये बनाने में आपको कितना कॉस्ट पड़ा? वही लगभग 40-45% पड़ गया। अब उतना में ही दे रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है कस्टमर नहीं ले रहा, नहीं ले रहा। तो बिजनेस जो होता है दो धारी तलवार होता है, अगर आपको लेके चला तो एकदम चल गया ऊपर तक, और आपको अगर काटना स्टार्ट किया तो एकदम पूरा ले देकर पूंजी डूब जाएगा। बहुत लीडर फोन कर रहे थे, अभी माल है तो हमको पहुंचा दीजिए, माल है तो हमको पहुंचा दीजिए, लेकिन हमारे पास खुद जब मेल नहीं है तो कैसे उसको पहुंचा देंगे। अच्छा, मार्केट में आपका डिमांड है अभी? जी, अब बहुत, मतलब कि 6 महीने में आप जो है बहुत सारा चीज को समझ लिए हैं, परख लिए हैं ना। तो चलिए ये सादिकुल भाई थे, और अपना फूडवेयर का ये थोड़ा सा सेटअप था, और जस्ट इसके नीचे इसका घर है, ऊपर में इसका सेटअप है, आप देख सकते हैं। दुकानदार अभी भी हमको फोन कर रहा है, संदलपुर से है वो, मालवली चौक से ऐसे यहाँ पर 3 को दुकानदार अभी माल जा रहा है, वो जो पटना आ रहा है चप्पल काट को खुद ही लेकर जा रहा है यहाँ से। अच्छा, तो क्वालिटी ठीक था इसीलिए आपका चप्पल में कोई दिक्कत? मांग कर रहा है वो जो दुकानदार एक बार दे दिए हैं, वो फिर मांग क्यों कर रहा? तभी तो मतलब ये सब कंपनी खुल रहा है, इसमें ज़्यादा कमाई नहीं है, 2-3% में बिजनेस करेगा तब जो इसका बेनिफिट होगा, तब जो इसका बिजनेस चलेगा। अगर ज़्यादा सोचेगा कि हमने इसमें 10% कमाएंगे तो 10% तो भाई दुकानदार कमा रहा है, हमें अगर सोचेंगे 10% कमाएंगे, हम तो होलसेलिंग है। अच्छा, आपको ज़्यादा सेल करना है, सेल पे ध्यान देना, सेल पे ध्यान देना है, कमाई पे मतलब कितना कमाई हो उस पर कम दे दिया, 2-3% कमाई है। अगर हम 500 चप्पल भी बेच लेते हैं तो 3% कमाएंगे तो कितना हो गया मेरा? 1500 हो गया। अगर वही हम सोचेगा हम 10% कमाएंगे तो दोबारा घूम के आएगा ही नहीं, यानी कि आपसे जो है ज़्यादा कमा सकता है रिटेलर? जी। अच्छा, हमसे ज़्यादा। तो आपसे जुड़ कैसे सकता है रिटेलर? इस डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है और मैं बोल भी देता हूँ, नंबर तो 9955269434 ये मेरा नंबर है। दुकानदार जो भी है हमसे जुड़ सकता है, फोन पे बात कर सकता है, आकर ले भी सकता है माल देख के। अच्छा, माल देख के आप पहले बार ले सकते हैं, इसके बाद अगर आपको लगेगा कि नहीं माल ठीक है तो आप जो है कॉन्टैक्ट ऐसे अगर बन जाता है, इसके बाद माल पहुंच भी जाएगा। जी, माल वहाँ पहुंच भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और माल जो है अभी क्वालिटी में बहुत अच्छा खासा क्वालिटी मेंटेन कर रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग से वीडियो में। ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो ठीक है, गुड बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।